वाराणसी की, जहां कमिश्नरेट पुलिस ने लालच देकर फर्जी कंपनी के एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। बता दें कि अवशेम इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड नाम की फर्जी कंपनी बनाकर गरीब जनता से धन 5 वर्ष में दुगुना करने की लालच देते थे और कलेक्टिव स्कीम के तहत पैसा जमा कराया जाता था। इस तरह जनता से करीब 100 करोड़ रुपए जमा कराए और कराए हुए जनता के पैसों को बैंक से निकालकर अपनी कंपनी बंद करके फरार हो गए। बता दें कि इस कंपनी के विरुद्ध 12 मुकदमे पंजीकृत हैं, जिसमें कुल 18 अभियुक्त नामजद हैं। 11 अभियुक्तों की पहले ही गिरफ्तारी हो चुकी और इस बार 12वां अभियुक्त राजेश कुमार वर्मा भी वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये प्रकरण बेसिकली 2020 में स्टार्ट हुआ था। दो कंपनीज अवेसम और कसीटा, इसमें जो डायरेक्टर्स थे, ये कंपनी लोगों को ट्रस्ट दिलवाती थी कि छोटी छोटी कलेक्टिव स्कीम्स के थ्रू लोगों से पैसा इन्वेस्ट करवा के दो गुना कार्रवाई करने की बताते थे, ये डबल कर देंगे हम लोग 5 साल में जितना भी पैसा था। लेकिन ये जब पैसा इनकी अपना वापस देने की बारी आई तो ये कंपनी यहाँ से जितने भी डायरेक्टर्स थे सारे भाग गए। इसी क्रम में 12 FIR इस कंपनी पे लिखे गए थे। 18 टोटल अभियुक्त हैं, जिसमें से 11 की गिरफ्तारी हो चुकी है। 12वां राजेश कुमार वर्मा, जिस पे 10,000 का इनाम था, कल गुड़गांव से हमारी पुलिस टीम द्वारा इसको गिरफ्तार किया गया है। लगभग 100 करोड़ का इन्होंने लोगों की धांधली करी थी, उसमें से ये 8.5 करोड़ की इन पे गैंगस्टर का जो मुकदमा पंजीकृत